Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने ये चैप्टर में आपको काफी सारी चीजें बताई थी, जिसमें मैंने आपको हाइगन का तरंग सिद्धांत बताया था, साथ साथ मैंने आपको बताया था तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं और तरंगाग्र के प्रकार बताइए, और इसके बाद मैंने आपको तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। क्लियर है? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कैसी तरंगों के लिए लागू नहीं होता? बहुत अत्यधिक आयाम वाली तरंगों के लिए लागू नहीं होता, जैसे कि भूकंप की तरंग है, प्रघाती तरंग है, लेजर तरंग है ना, इनके लिए ये लागू नहीं होता। ठीक है, इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने इस चैप्टर में प्रकाश की तीन घटनाएं आएंगी। जैसे पिछले चैप्टर में आप लोगों ने परावर्तन अपवर्तन के बारे में जाना, इस चैप्टर में आप लोग जानेंगे व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है और ध्रुवण क्या होता है। क्लियर? क्या जानेंगे बबुआ? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। क्लियर? ये तीन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो सबसे पहले हम चिपकाएंगे इसमें ध्रुवण को। किसको चिपकाएंगे? क्लियर? तो सीक्वेंस में नहीं है, कुछ एक पेज छोड़ के पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, है ना? प्रश्न मिलेगा आपको पेज नंबर 9 पे है, आई थिंक। प्रकाश के ध्रुवण को समझाइए। मिला सभी को? चलूं बढ़ाऊंगा आगे? बोला भैया, एक ही शॉट में मैं बहुत सारी बातें कह जाऊंगा तो लपक जाना। क्लियर? लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे समझिएगा। क्लियर? ध्रुवण होता क्या है, तो ये परिभाषा समझ में आएगी तो आगे की कथा समझ में आ जाएगी। क्लियर? स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर? तैयार हैं आप लोग? बोले भैया, चलो था फिर। ठीक है, तो सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। रेडी एवरीवन? मुझसे पूछा जा रहा है प्रकाश के ध्रुवण को समझाइए। तो ध्रुवण क्या होता है, सुने। किसी भी प्रकाश तरंग द्वारा, प्रकाश तरंग द्वारा तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित करना ध्रुवण कहलाता है। अब बात यह, सममिति क्या होता है, है ना? फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश तरंग द्वारा तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में प्रदर्शित करना या सममिति में कमी प्रदर्शित होना ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। गौर से देखिएगा, सममिति में कमी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज अगर तरीके से है, लयबद्ध है, तो हम उसे सममिति बोलते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो आकृतियां बनाई हैं, ये सममित हैं, नहीं यही बात समझ? लेकिन मान के चलो एक न्यो बना दूंगा, एक मान के चलो मैंने न्यो, सपोज करो न्यो बना दो, तो क्या ये सममित है? नहीं। समझ में आ रही बात? तरंगे हमने देखी है, तरंगे इस टाइप की होती है, तो इनमें एक सममित आकृति है। क्लियर? लेकिन मान के चलो कोई तरंग ऐसे जाए और फिर नीचे जाए की बजाय न्यो घूम जाए, फिर नीचे चली जाए, समझ गए, फिर अंदर की तरफ घूम जाए, तो ये क्या हो गया? सममिति में कमी हो गई। सममिति में कमी हो गई। क्लियर? इसमें तरंग जा किस तरफ रही है? इस तरफ जा रही है, तो ये तरंग संचरण की दिशा है। क्या है ये? बोलो जा, मोए बोलो। हाय जी, तरंग संचरण की दिशा क्या है ये? अब तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित हो रही है। कैसे प्रदर्शित हो रही है, गौर से देखिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे जिससे आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाए। क्लियर? हमने अभी तक ये जाना है कि तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, तो ये तो तरीके से लयबद्ध हो रहा है, एक सममिति है, राइट? लेकिन मान के चलिए, हवा में बातें कर रहा हूं लपक के, ठीक है? जैसे ये तरंग संचरण की दिशा हो गया, कोई कंपन ऐसे हुआ है, बोर्ड पे आपको ये कंपन ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है, तो ये तो बोर्ड का ही कंपन मैंने बना दिया, गौर से देखिएगा ऐसे करके, समझ गए? बोर्ड पे ही कंपन हो रहा है ऐसे। क्लियर? अब मान के चलो दूसरा कोई कंपन जो हो रहा है वो नीचे से जाने की बजाय तुम्हारी तरफ आया हूं ऐसे करके, समझना मेरी बात को। फिर अगला कंपन जो था वो ऊपर जाने की बजाय फिर पीछे से आ गया, बोर्ड के अंदर से, नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? बोलो भैया, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी हो गई,
है ना, तो तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित होना ध्रुवण कहलाता है। क्लियर है? तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित होना ध्रुवण कहलाता है। समझ गए? सोचो, सोचना है तो फिर ध्यान से सुनना। पहले तो आप पढ़ लो प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रकाश के ध्रुवण को हम लोग समझ गए हैं। तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित होना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसी मैंने दिखाया बोर्ड पे, आप समझ गए, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हवा में 3D में बातें हो रही है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? ऑनलाइन वालों तुम लोग भी इशारे में बताइएगा, ठीक है? क्लियर? एक बात बताऊ, ये तरंग इस तरफ जा रही है, जा रही है। अगर मैं जाइए साइड से देखेंगे तो मुझे कंपन कैसे दिखाई देंगे, केवल एक लाइन दिखाई देगी यो में? बोलो भैया, अगर मैं यो में साइड में देखेंगे, यो में साइड में देखेंगे तो मुझे कंपन दिखाई देंगे? बिल्कुल ऐसे लाइन दिखाई देगी, और तो कुछ दिखाई नहीं देगा। महसूस करिएगा, जो पूरी लाइन, ये जो चित्र है मैंने जो उठाया लो अदर हवा में, जो तुम्हारी लंग घुमाए दो, समझ गए? जो मैंने उठाया लो और तुम्हारी लंग घुमाए दो, अब बताओ तुम्हें सामने से कैसी लाइन दिखेगी? आते बता दो कैसी लाइन दिखेगी? एक खड़ी लाइन दिखेगी, इस चित्र को मैंने पूरा उठा के और यो तुम्हारी तरफ घुमा दिया तो कैसी लाइन दिखेगी? खड़ी लाइन दिखेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो गई तरंग संचरण की दिशा आपकी तरफ। क्लियर? मेरा ये जो मार्कर है, ये मार्कर की दिशा आपकी तरफ है, तो ये तरंग संचरण की दिशा आपकी तरफ हो गई। और कंपन कैसे हो रहे हैं, मैंने बोर्ड से उठा के तुम्हारी तरफ कर दिए, तो ये कंपन ऐसे हैं यो करके। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? तो आपको तो सामने से लाइन दिखाई देगी, लेकिन मैंने बोला तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित होना ध्रुवण कहलाता है। तो सब कंपन ऐसे ही थोड़ी आ रहे होंगे, कछु कंपन ऐसे होंगे जो यूं आ रहे होंगे, गौर से देखिएगा यूं करके, यूं। बोलो भैया, जो कंपन यूं करके आ रहे होंगे उनके लिए बताओ आपको सामने से क्या दिखाई देगा, कैसी लाइन दिखाई देगी? कैसी लाइन दिखाई देगी? हाथ के इशारे से बताओ, ऐसी ऐसी लाइन दिखाई देगी। लाइन मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देनी चाहिए जिससे मैं देख पाऊं उसको, है ना? ओके, समझ गए ना? ऐसी लाइन दिखाई देगी, समझ गए सब लोग? अच्छा, और सुनना ध्यान से, ठीक है? जब कंपन ऐसे आ रहे थे तो सामने से आपको ऐसी लाइन दिखाई दे रही थी खड़ी, जब कंपन ऐसे आ रहे थे तो सामने से आपको आड़ी लाइन दिखाई दे रही थी, प्लस का साइन बन गया। दोनों अगर मिल जाएंगे तो अच्छा, कुछ कंपन ऐसे भी है जो हल्के से तिरछे आ रहे थे, यो करके यो करके यो यो, नहीं यही बात समझ में? तो ये भी तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, इनके लिए लाइन कैसी दिखाई देगी बताओ? यों करके लाइन दिखाई देगी। बोलो, नहीं यही बात समझ में? तो यहां कंपन किसी विशेष तल में हो रहे हैं या हर संभव तल में हो रहे हैं? हर संभव तल में हो रहे हैं, हर संभव तल में हो रहे हैं। बोलो भैया, कि किसी विशेष तल में हो रहे हैं? जैसे जेवारे जो कंपन थे वो इस तल में हो गए, जो ऐसे वाले कंपन थे वो इस तल में हो गए, नहीं यही मेरी बात समझ में? बात समझ में आ रही है ना आ रही है? पक्का? क्लियर है? सोच लियो, सोच ली आगे सोचवाऊ। तो यहां कंपन सभी संभव तलों में हो रहे हैं। क्लियर है? तरंग जा कौन सी लग रही है? तुम्हारी तरफ जा रही है, लेकिन कंपन सभी संभव तलों में। सही बोल रहा? बोलो, सही बोल रहा? क्लियर? ऐसे प्रकाश को बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो सभी संभव तलों में होते हैं, ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। और अध्रुवित प्रकाश हमें कहां से मिल रहा है? ट्यूबलाइट से मिल रहा है, बल्ब से मिल रहा है, सूर्य से मिल रहा है। ये सब कैसा प्रकाश होता है? अध्रुवित प्रकाश। वह प्रकाश जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या बोला, समझ में आया बात? ये अध्रुवित तरंग कहलाती है। क्लियर? कोई पूछे अध्रुवित तरंग क्या होती है, ये अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो अध्रुवित तरंग या अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं। जो मैंने बोला समझ में आया? अब जो मैंने अभी अध्रुवित प्रकाश आपको दिखाया, तो ऐसा नहीं लगता वो उसको मैं ऐसे बना सकता हूं, क्योंकि इसमें कंपन सभी संभव तलों में हो रहे हैं, तो ये कैसा प्रकाश हुआ? अध्रुवित प्रकाश। नहीं आई मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी, सोच लियो, समझ गए? समझ गए हैं? ये पूरा हमारा कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश।
जाए, समझ गए ना? तो पहले तो ध्रुवेद प्रकाश पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ध्रुवण की घटना समझ में आ गई और ध्रुवेद प्रकाश क्या होता है वो समझ में आ गया। क्लियर? फिर से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार और, क्योंकि इसका समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये दिमाग में ढंग से बैठ गया तो फिर आगे की कहानी बड़ी आसान है, और अगर साला ये ही नहीं बैठा तो कहानी बर्बाद है। समझ गए? क्लियर? फिर से देखिए आप, देखो मैंने क्या बोला, ये एक सामान्य तरंग है। सामान्य तरंग ऐसी होती है, बोर्ड पे सब लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये जो मैंने पेपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को ऑनलाइन वालों, है ना, सभी को मालूम है सामान्य तरंग ऐसी होती है। लेकिन ये तो सामान्य तरंग है, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या, जो ध्रुवण की घटना होती है उसमें क्या होता है, जैसे एक कंपन यो आ गया तो दूसरा कंपन नीचे आने की वजह मान के चलो आपकी तरफ आ गया, फिर तीसरा अंदर की तरफ चला गया पेपर के पीछे, समझ गया ना? तो तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। सीन क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया अध्रुवित प्रकाश क्या होता है या अध्रुवित तरंग क्या होती है। तो मैंने बोला वह तरंग जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसको हम एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, भले इसमें टाइम लगेगा समझने में लेकिन ये समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी। आप बताइए जरा ये तरंग कैसे, हाथ से इशारा करके बताओ मैंने कैसे बनाई है, फिंगर से इशारा करो ऑनलाइन वाले, तुमते बोल रहा हूँ कमीनो, ऑफलाइन वाले तुम्हें बात है, तुम्हारी चिंता है ताते कह रहा हूं। हाँ, तो ये तरंग किस तरफ जा रही है? ये जालन जा रही है, यानी दिस इज द तरंग संचरण की दिशा। सही बोल रहा हूँ, ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा, समझ गए? अब जय बोर्ड जी, अब बोर्ड पे ऐसी बनी थी, अब मैंने बोर्ड पे तो उठाएंगे जो कर दी, तो तरंग संचरण की दिशा कौन सी लंग है? तुम्हारी तरफ है, समझ गए? तो तुम्हें सामने थे जो कंपन दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे फिर से बताओ। हाँ, समझ गए? सीधी लाइन आएगी, जीवारी लाइन आएगी, जीवारी, समझ गए? क्लियर? अब मान के चलो अगर जे कंपन ऐसे आ रहे होते न्यो में, न्यो में, न्यो, अभी तो उंगली से दिखा रहा हूं, ये देखिए ये जो है ये अगर ऐसे होता, ये जो है ये अगर ऐसे होता, समझो मेरी बात को, ये अगर ऐसे होता तो कंपन कैसे नजर आते? हाँ, समझ गए? और यही चीज अगर ऐसे होती क्रॉस में तो ऐसे नजर आते नहीं, यही बात है। यानी कुल मिला के कंपन अलग अलग तलों में है, किसी एक विशेष तल में तो नहीं है, और इसमें तरंग चाहे भले ही कंपन कितना हुआ लेकिन तरंग जा कितनी लग रही है हमारी तरफ। तो मैं जालंगते जो देखे हो जनते देखे हो तो मुझे ऐसा चित्र नजर आओ, बोलो कैसे जावा रही है? अगर मैं जालंगते देखे हो तो ये चित्र मुझे कैसा नजर आओ, न्यो में नजर आओ, न्यो में जो चीज जो दिख रही है वो न्यो में नजर आ गई, नहीं है मेरी बात, क्लियर है? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग वाकई अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण की घटना समझ गए? तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित होना। हाँ, किसी ने पूछ लिया अध्रुवित तरंग या अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो वह प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में कंपन उपस्थित होते हैं वह अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। भाषा समझ में आ रही नहीं आ रही? आगे बढ़ू, अगला हाँ, ध्रुवण की घटना जो होती है भैया, ध्रुवण की घटना केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में ये घटना नहीं होती है। क्लियर? मैंने आपको प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों में बताया था वहां पर उस टाइम, अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती है, ये तरंगें इनके कंपन इस प्रकार है, इसका मतलब ये अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। क्लियर? ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में ये घटना नहीं पाई जाती। क्लियर? ध्रुवण की घटना जो होती है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं इसलिए वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलूं आगे, अगला क्या है इसके बाद? समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं समझाइए, अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से फिल्म बनना आप चालू हो जाएगी। क्लियर? अब आसान है। समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश भी बोल देते हैं सामान्यतः हम लोग इसे, तो ये क्या होता है तो गौर से देखिएगा, सब लोग समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि यहीं से आपका कहानी बनना चालू हो जाएगी और क्वेश्चन प्रिपेयर होना आपके चालू हो जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो। ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। जो आपको बोर्ड पे ऐसे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली आप उसे ऐसे ना समझें, बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे रखा हुआ है, समझ गए? जो चीज आपको बोर्ड पे जैसे ये ऐसे चित्र दिख रहा है वो ऐसे ना होते हुए ऐसे है, समझ गए? तो बताओ तरंग संचरण की दिशा किस तरफ होगी? अगर ये चीज, ये जो कंपन है ये ऐसे है,
भाई साहब हेलो। हाँ जालंग होगी तरंग संचरण की दिशा नहीं आई मेरी बात समझ। फिर से देखिए, कोई तरंग अगर ऐसे जा रही होती क्लियर तो आपको कंपन कैसा दिखाई देता, इसमें बता न्यो में, और तरंग न्यो जा रही होती है ना। ओम अब समझना मेरी बात को। अब जामे सग मिलमा है, न्यो गई भिन्यो गई भिन्यो आ गई भिन्यो चली गई, तो सामने से जब आप देखोगे तो तुम्हें जी तो नजर आओ। तो जहां मैं बताऊ तरंग संचरण की दिशा कौन सी लंग है, तुम्हारी लंग है। जब ये चित्र न्यो मनो है तो ये दिशा तुम्हारी लंग है। अब अगर ये चित्र न्यो धरोहर तो और क्या कह रहे हो तुम्हें, नहीं यही बात समझ। ये जो मैंने बोर्ड पे फिगर बनाया है ये वास्तव में बोर्ड पे तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। समझ गए मेरी बात को। तो ये पूरी तरंग किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, समझ में ही नहीं आई मैंने कुछ। आएगी पक्का सिगर जिकेसो प्रकाश है, अद्रुवित प्रकाश है। और जब इस अद्रुवित प्रकाश को क्या, जब इस अद्रुवित प्रकाश को यहां से जब ये गुजर रहा है तो बीच में हमने एक यंत्र लगा दिया। क्लियर, हमने एक यंत्र लगा दिया। दो प्रकार के यंत्र होते हैं, एक तो होता है पोलेरॉइड। क्या, पोलेरॉइड। कुछ लोग इसे पोलेरॉइड भी बोलते हैं या पोलेरॉइड भी बोलते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोल लेता है। क्लियर, या तो पोलेरॉइड। अब पोलेरॉइड क्या होता है ये कल आएगा आपके सामने। एक होता है टूरमैलिन क्रिस्टल। क्या, दोनों का काम एक ही है, नहीं यही बात समझ। जैसे घुड़ते हुए मीठो होगा सकते हुए मीठो होगा, वैसे ही जो काम पोलेरॉइड ते होगा वही टूरमैलिन क्रिस्टल ते होगा। ये दो समझ गए ना, दो डिफरेंट डिफरेंट चीज है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, नहीं यही बात समझ में। क्लियर, चाय बनानी है पत्ती भरगोवंड की डारो चाहे टाटा की डारो, काम दोनों को एक ही है, चाय बनेगी, नहीं आई मेरी बात समझ में। सीन क्लियर है। तो जब अद्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है, ये मैंने टूरमैलिन क्रिस्टल बना दिया, इस टाइप की क्रिस्टल्स होते हैं, ये टूरमैलिन क्रिस्टल है। और हर क्रिस्टल की अपनी एक अक्ष होती है, इसकी अक्ष ऐसे है। तो इसकी विशेषता क्या होगी कि जब अद्रुवित प्रकाश इसमें से होकर गुजरेगा तो केवल इसकी अक्ष के जो समांतर कंपन होंगे वो तो जामे ते निकट जाएंगे। क्लियर, वे तो जामे ते निकट जाएंगे, बाकी सिगन में ये खाए पी जाओ, नहीं यही मेरी बात है। यानी बाकी कंपनों को ये अवशोषित कर लेगा, बाकी कंपनों को ये। तो यहां पर जो मुझे प्रकाश मिला, ऐसे प्रकाश को मैं बोलता हूं ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश, कुछ भी बोल दो, नहीं यही मेरी बात समझ में। क्लियर, कोई पूछे समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो ये तो ऐसे बोलते हो, जब अद्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल अथवा पोलरॉइड से होकर गुजारा जाता है तो प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। क्लियर, थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो समतल ध्रुवित प्रकाश, अब इसमें केवल कौन से वाले कंपन आ गए, ये वाले आ गए, बाकी के सब तो ये खाए पी गो। अब ये जो कंपन है सभी संभव तलों में है या किसी विशेष तल में, किसी विशेष तल में है, नहीं यही बात समझ। ये केवल इस तल के ही कंपन है। अच्छा, तरंग जा किस तरफ रही थी, इस तरफ, तो ये कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। तो कोई पूछे समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन किसी विशेष तल में होते हैं तथा वह तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, नहीं यही बात समझ। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि लाला समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो लाला का चुकी है देंगे कि चौपाई रहेंगे, है क्लियर। वह प्रकाश जिसमें कंपन विद्युत क्षेत्र के कंपन किसी विशेष तल में होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, क्लियर है, समझ गए। ऐसे प्रकाश को क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और जिस तल में ये कंपन हो रहे हैं वही तल हम कह देते हैं कंपन तल। कोपट्टा ने मुझे पूछ लिया, अरे फलाने ये कंपन तल क्या होता है, तो वह तल है ना, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं तथा वो तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, तो ऐसा तल कंपन तल कहलाता है। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन जिस तल में उपस्थित होते हैं
है ना, और ये तल जो होता है तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा ऐसी है तो तल ऐसे ही तो गुजर रहा है, नहीं यही बात समझ। खैर कंपन तल के बारे में अभी बात करेंगे, फिलहाल आपको ये समझ में आ गया समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन किसी विशेष तल में होते हैं तथा वह तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। या तो ऐसे बोल दो, या फिर जब किसी अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल अथवा पोलरॉइड से होकर गुजारा जाता है तो प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। भाषा समझ में आ रही है? दूर में तो कोसी लिख दोगे टन जाओगे, नहीं आई मेरी बात समझ, पढ़ लो फटाफट समतल ध्रुवित प्रकाश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समतल ध्रुवित प्रकाश आपको समझ में आ गया। अच्छा आप गौर से देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये एक चतुर्भुज बनाया, ये दोनों एक ही तल में है या अलग अलग तल में? एक ही तल में त्रिभुज और चतुर्भुज। ये मैंने कंपन तल बनाया है, इस तल में हमको क्या क्या दिख रहा है? एक तो विद्युत क्षेत्र के कंपन दिख रहे हैं और दूसरा तरंग संचरण की दिशा भी इसी तल में ही है, है ना? क्लियर, समझ में आई बात? कोई पूछे कंपन तल क्या होता है तो आप बोलना समतल ध्रुवित प्रकाश में या ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में क्या विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं, क्लियर, समतल ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं तथा वह तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है, तथा वह तरंग संचरण की दिशा से होकर कंपन तल कहलाता है, नहीं यही बात समझ। समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं तथा वह तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है, या प्रकाश के गमन की दिशा से होकर गुजरता है, या तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है, या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, एक ही बात है सब, समझ में आ रही है बात? तो कौन सा तल कहलाता है? कंपन तल। जी समझ गए? हाँ हाँ कंपन तल, कंपन तल। अब एक और तल होता है, ये मैं इसको थोड़ा सा सेपरेटली बना रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बनाऊंगा तो थोड़ी हॉचपॉच हो जाएगी, यहाँ भी बना सकता हूँ पर आपको प्रॉपर नहीं समझ में आएगा, यहाँ सेपरेटली बना रहा हूँ, ठीक है? गौर से देखिएगा आप सभी लोग, ये मैंने कौन सा तल बनाया है पहले तो ये बताऊं, ये व्याली आपने ताजा ताजा पढ़ा है, कंपन कंपन, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं तथा वह तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है कंपन तल कहलाता है, कौन सा तल कहलाता है बबुआ? कंपन, जोर से बोलो बबुआ। हमको मोते पूछे ध्रुवण तल क्या होता है, तो वह तल जो तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है और कंपन तल के लंबवत होता है ध्रुवण तल कहलाता है। इसको बोर्ड पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी तो ड्राइंग अच्छी इसलिए बना लेता हूं, आप लोग बना लोगे? तो कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के कैसे हैं? कोटी में बहुत पूछता है कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, जा टाइम तो सिख बोलोगे बा टाइम पे बोली हो, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री, समझ गए? ध्रुवण तल क्या होता है? वह तल जो कंपन तल के और तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है ध्रुवण तल कहलाता है। कंपन तल क्या होता है? तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं तथा वह तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है कंपन तल कहलाता है, नहीं आई मेरी बात समझ में? तो देखो इसके बाद अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में अंतर है, अंतर मत पढ़ना, उसके बाद कंपन तल और ध्रुवण तल ही दो होगा, वहां में जो डिजाइन सब बनो वो देख लो फटाफट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कंपन तल और ध्रुवण तल हम सभी को समझ में आ गया है, बोलो आ गया? नहीं आ गया, आ गया। क्यों ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो वास्तव में क्या ऐसे है? कैसे है? हाँ समझ गए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो वास्तव में ऐसे है, ऐसे आपको टूरमैलिन क्रिस्टल जो दिखाई दे रहा है ना ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे है समझ गए ना? हाँ ऐसे है, वो न्यो में पता पच जा गया तो लगी है, नहीं यही बात समझ में? कहुए को परेशानी हो तो बताए, तो फिर सुने और गौर से सुने, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, बताना मैंने क्या बोला है। तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित होना ध्रुवण कहलाता है, वह प्रकाश जिसमें कंपन किसी विशेष तल में होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं
समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। वह प्रकाश जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तथा किसी विशेष तल में होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। वह प्रकाश जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। नहीं बात क्लियर, किसी ने अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश यानी समतल, अध्रुवित प्रकाश जीरो, ध्रुवित प्रकाश जीरो, नहीं आई। वह कंपन जिस, वह तरंग जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। वह प्रकाश जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी विशेष तल में होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या गलत कह दी मैंने लाला? नहीं है। और सुनो कहते मिल लो जी प्रकाश, सूरज ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, लट्टू ले लो, बोलो जी कहते मिल लो। जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल से भेजाते हो तो जी मिल जाओ। नहीं है मेरी बात समझ, एक पत्ते की बात, एक लास्ट बात, रेडी सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? आओ बताओ लाला, ये अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जा रहा है, तो अभी तो जी वाले कंपन गुजर रहे हैं, तो यहां कुछ ना कुछ प्रकाश की तीव्रता महसूस होगी, है पूरो प्रकाश आ जाओ का ज्यादा आओ कम आओ, समझ गए? अब मान के चलो, रुको जाए रुको भाई, समझ गए? समझ गए ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से है, मैं दो केस दे रहा हूं आपको, ठीक है? अलग अलग केस दे रहा हूं, पहले केस को सुन लो। यहां पर एक तरफ मेरा रखा है अध्रुवित प्रकाश, ठीक है? और चलो जाइए समझ लो, अध्रुवित प्रकाश है और ये क्या है टूरमेलिन क्रिस्टल या पोलरॉइड कुछ भी मान लो, मैं इसे घुमा रहा हूं, घूमता हुआ पोलरॉइड है ये, यह घूमता हुआ टूरमेलिन क्रिस्टल है और यहां से अध्रुवित प्रकाश निकाला जा रहा है, सोच समझ के जवाब देना। तो आप बताओ ये जो निर्गत प्रकाश होगा उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि जब जीवा समांतर रह जाओ तो जी प्रकाश निकल जाएगा, और अगर मान के चलो तिरछो है तो तिरछे भाई निकल जाएंगे, बाकी के अवसरों से रह जाएंगे, तो प्रकाश देख को बीतेगा ही रहेगा, यानी निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात ही समझ में नहीं आई मैं कहा कह रहा हूँ। अध्रुवित प्रकाश को जब किसी घूमते हुए टूरमेलिन क्रिस्टल या पोलराइड से होकर गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन लेकिन अगर मान के चलिए यहां से कोई समतल ध्रुवित प्रकाश डालता, समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब कंपन किसी विशेष तल में होते, और फिर मैं उसे किसी घूमते हुए पोलरॉइड से होकर गुजारता तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता या नहीं होता? होता, होता। नहीं है बात समझ, समझ गए? सोच ले। तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, किसी ने मुझसे पूछ लिया कि कह रहे भला नहीं अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में अंतर बताओ, तो अंतर सुन लो। वह प्रकाश जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। वह प्रकाश जिसमें कंपन किसी विशेष तल में तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ये सूरज से ट्यूबलाइट से लट्टू से प्राप्त होता है, क्लियर? और जब अध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमेलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है तो ये प्राप्त होता है। नहीं यही बात समझ, सीन क्लियर है? इसको जब किसी घूमते हुए पोलराइड या टूरमेलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में, और जब समतल ध्रुवित प्रकाश को या ध्रुवित प्रकाश को किसी घूमते हुए पोलराइड या टूरमेलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में। नहीं आई मेरी बात समझ, सीन क्लियर है? पढ़ लो फटाफट अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में अंतर। ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।